हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं आपका चैनल इन्फो मस्ती। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रीट 2021 ऑफलाइन फॉर्म सुधार के बारे में कि आप ऑफलाइन तरीके से कैसे अपने फॉर्म को सुधार सकते हैं। तो चाहे आपकी जन्मतिथि में दिक्कत हो, नाम में दिक्कत हो, पिता के नाम में दिक्कत हो, या खुद के नाम में दिक्कत हो, या अपने माता के नाम में दिक्कत हो, इस तरीके से आप ये सब चीज़ें सुधार सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आपको ये बताना चाहूँगा कि लास्ट डेट इसकी 5 मार्च है, तो जल्दी देखो और इसको सुधारो। तो आप यहां देख सकते हो, यहां पीडीएफ फाइल में मैंने फॉर्म को खोल लिया है। तो आप यहां देख सकते हो ये आ चुका है पीडीएफ फाइल में फॉर्म। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हो, मैं उसको आपको टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप ऊपर देख सकते हो जहां लिखा हुआ है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 के बारे में, आवेदन पत्र में ऑफलाइन संशोधन प्रे पत्र है, ठीक है। और यहां नीचे यहां साइड में आपको एड्रेस दिख रहा होगा सेवा में, ठीक है, समझ में। ये जो एड्रेस है इसी एड्रेस पे आपको इस फॉर्म को फिलअप करके सेंड करना है, जो कि है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट, राजीव गांधी विद्या भवन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कॉलोनी, सिविल लाइन, ठीक है, अजमेर 305001। इस एड्रेस पे आपको इसे सेंड करना है। और इसे कैसे भरना है तो अब मैं नेक्स्ट आपको भरा हुआ फॉर्म दिखा देता हूँ। तो वहाँ आप अपना नाम और एड्रेस लिख देना। तो मैं आपको एक बार पूरा ओवरऑल दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका पीडीएफ फाइल भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो यहाँ देख सकते हो मैंने ये ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है, ऑफलाइन फॉर्म भर दिया है। तो यहाँ देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है राजस्थान अध्यापक पात्र परीक्षा रीट 2021 के बारे में। तो आपको अपना नाम लिख देना है, जैसे यहाँ मैंने सुरेश लिख दिया है, और आपको पूरा पता लिखना है पिन कोड के साथ। तो यहाँ पिन कोड के साथ पता लिख दें, और यहाँ अपने एक फोटो चिपकाने हैं और यहाँ इसके ऊपर साइन कर देना है। तो यहाँ आधा साइन करना है, जिसमें आधा यहाँ रहे और आधा की फ़ोटो पर रहे। यहाँ नीचे आना है जहाँ लिखा हुआ है मेरे रीट 2021 के ऑनलाइन आवेदन पत्र में क्या सुधारना चाहते हो। जन्मतिथि हो तो जन्मतिथि, नाम है या पिता का नाम है, माता का नाम है, जो सुधारना है वो लिखना पड़ेगा। अब आता है फॉर्म नंबर। ये फॉर्म नंबर आपको अपनी जो आपने ऑनलाइन फॉर्म निकाला है उसका प्रिंट आउट निकाला है, उसके ऊपर लिखा होता है फॉर्म नंबर, वो फॉर्म नंबर फिलअप करना है। तो यहाँ 8 अंकों का होता है, वो 8 अंकों का आप फॉर्म नंबर फिलअप कर देना है। और यहाँ आपको ट्रांजेक्शन आईडी करना है, ठीक है। और यहाँ आपको लेवल सेलेक्ट करना, प्रथम द्वितीय या दोनों, ठीक है, आप अपना लेवल सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ मुझे जन्मतिथि सुधारनी, तो यहाँ ओनली जन्मतिथि पे मैं टिक करूँगा और यहाँ अपना जन्मतिथि डाल दूंगा जो छपी हुई है फॉर्म में और जो छपवानी है मुझे, तो जो होनी चाहिए जो करेक्ट वाली यहाँ इस साइड राइट साइड में लिख दूंगा। अगर आपको नाम में करेक्शन तो नाम भी आप कर सकते हो, ठीक है। और वो डेट ऑफ बर्थ आपकी किस सर्टिफिकेट में, 10th के सर्टिफिकेट में, तो 10th का वहाँ रोल नंबर लिख देना आप। और किस वर्ष में आपने 10वीं क्लास पास की और कौन से बोर्ड से करी है या कौन से विश्वविद्यालय से करी है, उस विश्वविद्यालय का वहाँ नाम आ जाएगा। नीचे आओगे तो वहाँ लिखा हुआ मेरा फोटो आईडी, आपका क्या आईडी प्रूफ देना चाहते हो। तो आप आधार कार्ड दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, डीएल दे सकते हो, मैंने आधार कार्ड दिया है। और यहाँ आप अपना आधार कार्ड नंबर दे देना है। आपको नीचे ऑनलाइन आवेदन क्रमांक डालना, तो आप अपना सिंपली फॉर्म नंबर ही डाल देना है इसके अंदर, ठीक है। और नीचे आप आओगे, दिनांक आपको फिलअप करना है, जिस दिनांक पर आपको भेज रहे हो उस दिनांक डाल देना आप, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा आपको और अपनी ईमेल आईडी भी डालनी है। तो यहाँ ईमेल आईडी डाल के अपना सिग्नेचर करके वहाँ अपना नाम डाल देना है, ठीक है। कई बच्चे इसको नीचे भर देते हैं, नीचे वाले को नहीं भरना, ये कार्यालय भरेगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फो मस्ती यूट्यूब चैनल। बाय, टेक केयर।